तो गाइस इसमें जो है ये टिल्ट स्क्रीन है, इसको निकाल के इस टाइप से ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। तो इसमें जब आगे कर लेते हैं तो काफी आसान होता है ब्लॉग बनाने में, ऐसे करके ब्लॉग आराम से बन जाता है बढ़िया। क्यों ऐसा क्या है इसका? हाँ गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये जो ब्लॉग है वो मैं फर्स्ट टाइम कैमरे से शूट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने ही ब्लॉग बनाए हैं वो सारे मोबाइल से बनाए हैं, लेकिन ये वाला जो ब्लॉग है वो कैनन के कैमरे से शूट हो रहा है। ये जो कैमरा है वो मेरा नहीं है वैसे तो, मेरे एक दोस्त का है, लेकिन तो मेरे एक दोस्त ने ख़रीदा हुआ है कैमरा, तो मैं उससे कभी कभी ले आया करूँगा और अपने कुछ ब्लॉग बना लिया करूँगा इसी कैमरे से। तो ये जो कैमरा है वो कैनन का M50 Mark II कैमरा आएगा। तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी आ रही है, मोबाइल से तो काफ़ी अच्छी आ रही होगी, ऑब्वियसली कैमरे की बात ही अलग होती है। वैसे तो हमें मोबाइल से भी बहुत ही अच्छा ब्लॉग शूट हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्वालिटी इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तो अभी चलते हैं पार्क में और कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं और इसकी क्वालिटी वगैरह भी टेस्ट हो जाएगी उसी बहाने, और वीडियो क्वालिटी तो आप देख ही रहे होंगे। इसका ये जो लेंस है वो 15-45 mm है, और इसका जो 200D Mark II आता है वो भी बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही पॉपुलर कैमरा है, लेकिन वो जो है वो थोड़ा भारी हो जाता है तो वो ब्लॉगिंग के लिए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन ये वाला कैमरा लाइट वेट भी बहुत है, ये 400 grams के अंदर आ जाता है ये वाला, और वो 600 ग्राम से भी ऊपर चला जाता है उसका वेट, तो एक हाथ से उठाने में भारी लगता है वो। इस वजह से ये वाला कैमरा हम उससे लेके आए दोस्त से, तो इसी से ब्लॉग बनाया करेंगे। हमने उससे बोल दिया कि कभी कभी दे देगा वो ब्लॉग बनाने के लिए, तो कुछ ब्लॉग इससे भी शूट कर लेंगे अपन। फिलहाल ये अभी पार्क में आ गए हैं और इसका जूम वगैरह टेस्ट करके देखते हैं। ये सामने फिसल पट्टी इतनी दूर, और ये फुल इतना जूम होगा, 45 mm का लेंस है इसमें मैक्सिमम, और मिनिमम इसमें ये है 15 mm का। तो 15 mm से क्या है थोड़ा वाइड एंगल हो जाता है, तो इससे ब्लॉग बनाते समय एरिया जो है थोड़ा वाइड मिलता है अपन को। अगर इसका 10 mm का लेंस भी आता है अगर वो ले लेंगे तो फिर और भी वाइड एंगल हो जाएगा। फिलहाल तो उसके पास अभी है नहीं अवेलेबल वो वाला लेंस, और ये पेड़ के नीचे छाए के नीचे थोड़ी अलग क्वालिटी आ रही होगी, और धूप में तो अलग आती है। फिलहाल तो हमने इसको ऑटो मोड पे कर रखा है, मैनुअल पे अभी हमें इतनी सेटिंग पता नहीं है, धीरे धीरे सीख लेंगे वो भी चीज़ भी अपन। और वैसे भी ये हल्का तो है कैमरा, लेकिन उठाते उठाते ये जो हाथ है थोड़ा सा दर्द करने लगा है। 5 मिनट ही उठाए हम, ज़्यादा देर नहीं हुई उठाई हुई, लेकिन 5 मिनट में ही इस तरीके से उठाए उठाए दर्द करने लगा है। इसके संग एक ट्राईपॉड और आता है वो भी ले लेंगे, तो वो हम ही ले लेंगे, तो वो लगाएंगे इसमें तो थोड़ा अच्छे से ब्लॉग बन पाएगा। और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो अभी हम इसी कैमरे के माइक्रोफोन से ही शूट कर रहे हैं, अभी हमने इसमें कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ है। उफ, हाथ सच में दर्द कर रहा है। एक काम करते हैं हाथ पे शिफ्ट कर लेते हैं किस तरीके से। कैमरा लेकिन बहुत अच्छा है, कलम उससे लेके आए, लेकिन एक नंबर क्वालिटी है इसकी। और ये पीछे देखो ट्रक वगैरह चल रहा है, यहाँ काम चल रहा है इस वाले तालाब में काफ़ी टाइम पहले से। ये जो तालाब है इसमें भी काम चल रहा है, यहाँ रोड डल रही है वाली। और फिलहाल तो यहाँ कुछ सिनेमेटिक शॉट शूट करते हैं इसी कैमरे से, वो देख के आप बताना कि आपको कैसे लगे सिनेमेटिक शॉट शूट करते हैं इसके कुछ। तो गाइस कुछ शॉर्ट्स तो ले लिए हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ जगह भी नहीं है शॉर्ट्स लेने की, तो इस वजह से जैसे भी है थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट ले लिए, तो वो देख ही ली होंगे आपने। और गाइस ये जो M50 Mark II है वो कैमरा तो एक नंबर है, ज़बरदस्त कैमरा है, और ये मिररलेस कैमरा है जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो हमने उसे यही वाला सजेस्ट किया था तो उसने बाय कर लिया। तो गाइस फिलहाल तो अब घर पर ही चलते हैं, धूप भी बहुत तेज़ आ रही है, वो तो कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेना था हमें, इस वजह से हम यहाँ आ गए, तो अब चलते हैं घर पर। तो गाइस अब आ गए हैं घर पर और अब दिखाते हैं कि वो कैसा कैमरा है। तो गाइस ये है वो कैमरा, ये लिखा हुआ है M50 Mark II, काफ़ी सही कैमरा है। फ्लैश लाइट और लगा देंगे ऊपर तो कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी इसकी टिल्ट स्क्रीन है। तो गाइस इसमें जो है ये टिल्ट स्क्रीन है, इसको निकाल के इस टाइप से ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। तो इसमें जब आगे कर लेते हैं तो काफ़ी आसान होता है ब्लॉग बनाने में, ऐसे करके यहाँ से ब्लॉग आराम से बन जाता है बढ़िया।
तो ऐसे अपन देख सकते हैं ना अपने आप को ऐसे कैमरा करके। तो अभी इसे ब्लॉग बनाया ही कहाँ है, अभी बना के आए ना, पार्क में गए थे ना अभी हम, सब बता के थोड़ी ना जाएंगे। और गाइस बाकी इसमें ये सब बटन है, इसमें ये फीचर है और ये व्यू फाइंडर है, इसमें सेंसर लगा हुआ है तो इसमें बटन नहीं दबाना पड़ता, सीधा यहाँ देखो तुरंत ऑफ हो जाता है बस, और इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। और बाकी ये जो लेंस है वो 15 से 45 mm वाला लेंस है, और इसको जब ऐसे करते हैं तो बहुत ही मस्त लगता है ना, कितना अच्छा जैसे ऊपर जाएगा नीचे 20 से हो जाएगा, उसको जब ऑफ करना हो ऐसे करके ऐसे जो ऑफ हो गया। सही है तो गाइज इसकी क्वालिटी आप बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी वीडियो की। और फिलहाल तो अभी दीदी और ये लोग फिर दोबारा बना रहे हैं मैगी, तो मैगी वैगी बनाते हैं और खाते हैं। चलो चले क्या मैगी तो सभी खाते जितनी सारी चींटी कहाँ से आ गई, वो भाई सब इतनी सारी चींटियाँ जेते उधर पानी रख दिया था गर्म होने मैगी का, तो रखो फिर अपन लोग इतनी देर से यहाँ खड़े क्या कर रहे तुम लोग, मैगी बन गई तुम लोग की यहाँ पर? नहीं बन तो गई है, कितनी पकाओगे, बैग गैस बंद करो ना, इतनी भयंकर तो पका दी उसको। क्या हो गया, सही नहीं बनी? अरे सही बनी, दिखाओ ज़्यादा जो कितनी भयंकर पका के रख दी, प्लेट के अंदर डाल ले, प्लेट के अंदर हाँ उसी में डालो ना, गर्म होगी भगवान में। और इसमें इसमें क्या बन रहा, उसमें तो वो गाजर लाइट आ गई क्या हो गया तो ये क्या कर दिया नए स्टाइल में मसाला डाला, ये देखो मैगी मसाले की पन्नी गैस पे चिपका दी, डाला हमने नहीं डाला, हमें पन्नी तो जी है, मैगी लेके जा रहे हैं हम तो। अरे आ जा आ जा टॉमी, ये ला चम्मच रख दे इसी में, लिख लो रखो चम्मच ले आना 3 चम्मच ठीक है। तो गाइस ये रही गर्मा गर्म मैगी, ले आओ चम्मच लाए, हमने बनाई तुमने बनाई हाँ दी ने बनाई हमने बनाई वंस मोर हमें मैगी खाने का 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी को एक्सपीरियंस होगा जो जिसकी जितनी उम्र होगी, क्योंकि हर किसी ने खाई रखी होगी, ऐसा कोई दुनिया में होगा नहीं दीदी जिसने मैगी ना खाई हो। क्या क्या हो गया इतनी दौड़ दी तुम्हारी, जेले में काटा, ये तो फ्रूट खाने की है वो चम्मच, हमें जे मसाला टिल्ट स्क्रीन का यही फायदा है, इसको ऐसे कर लो कैमरे को और देखो अपन दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, बस आराम से देखते रहो ऐसे, पहले खा लो फिर बाद में। हाँ कितनी सही क्वालिटी रही, आ रही सही से, पहले सही नहीं आ रही थी इसमें क्वालिटी, फिर हमने इसको ऑटो मोड पे लगाया क्योंकि हमें ज़्यादा सेटिंग के बारे में पता नहीं था, हमने ऑटो मोड पे डाला अब सही आ रही है, आई डिटेक्शन कर रहा है देखो, जब हमारे आई के ऊपर कर रहा है तो आई डिटेक्ट कर रहा है, इस वजह से ब्लर नहीं आएंगे हम, रिकॉर्डिंग चल रही है चालू है। देखो दोनों कैसे लगे एक के बाद एक मैगी खाने घुस घुस के लग गई गर्म, तुम तो खाओ। तो गाइस मैगी खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो पसंद तो इस वीडियो से थम्स अप लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।